नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ईवीएम पर घमासान चल रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बातें हुई, लेकिन एक बात जिस पर गौर करने की जरूरत है, उत्तर प्रदेश के लोगों को, समाजवादी पार्टी के समर्थकों को और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं। अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने सबूत दिया था, चुनाव आयोग ने मुझे नोटिस दिया था। शायद चुनाव आयोग को लगा होगा कि भभकी से अखिलेश यादव पीछे हट जाएंगे, लेकिन अखिलेश ने चुनाव आयोग को जवाब दिया, नाम एक एक लिस्ट बना करके सौंप दिया। अब चुनाव आयोग में साहस नहीं, या शायद साहस करना नहीं चाहता, शायद ईमान इतना साफ नहीं हो कि अखिलेश यादव के सवालों का, आरोपों का और उस पूरे ब्यौरे का जवाब दे पाए। अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया, इंडिया गठबंधन एक है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा, ममता बनर्जी, तेजस्वी, स्टालिन, नीतीश सबके साथ खड़े हैं और फ्रंट पर लड़ने को तैयार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खासकर ईवीएम के मुद्दे पर, बैलेट पेपर के मुद्दे पर कैसे तर्कों के साथ पखिया उधेड़ी, हम पहले आपको सुनाएंगे, फिर आलोक पाठक हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनको चर्चा में लाएंगे। फ्रेम में आलोक पाठक को भी आप ले लीजिए कंट्रोल रूम, और साथ में अखिलेश यादव की बाइट का, बयान का वो हिस्सा सुनवा दीजिए जरा ईवीएम। जो नैरेटिव बनता है वो आप भी जानते हो, वो ताकतवर है उसमें नैरेटिव बनाने में। हम कुछ भी बात कहेंगे तो वो बात अपने ढंग से कहेंगे जो उनको सूट करती है। मैंने कई बार कहा कि हम लोग टेक्नोलॉजी को समझते हैं और हम लोग भी टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो हुए हैं, और दुनिया का सबसे ताकतवर देश, दुनिया अर्थव्यवस्था के रूप में या हम किसी पैरामीटर पे देखें, उस देश में भी महीनों वोट डाला जाता है। अमेरिका जैसे देश में महीनों वोट डाला जाता है और महीनों काउंटिंग होती है। तो सोचो, हम 140 करोड़ या 24 करोड़ देश के लोगों का भविष्य तय करते हैं सरकार से, और अगर हम 6 करोड़ या 7 करोड़ का बजट मान लें, 35 लाख करोड़ अगर उत्तर प्रदेश है तो 35 लाख करोड़ के लगभग खर्च करने की जिम्मेदारी सरकार को देते हैं, तो आप 3 घंटे में रिजल्ट क्यों चाहते हैं? 2 घंटे में रिजल्ट क्यों चाहते हैं? काउंटिंग 1 महीना क्यों ना हो? इसलिए जो व्यवस्था अगर अमेरिका में है, आज हम अमेरिका के पीछे चल रहे हैं हर चीज में। आप जाइए बाहर, मैकडोनल्ड बर्गर खाना है, पिज्जा हट पे पिज्जा खाना है, कपड़े जींस पहननी है तो कम से कम एक नकल और कर लो बैलेट पेपर की। और दूसरा, जब अमेरिकन मशीन खराब हुई तो बताओ कौन काम आए? यही अनमोल नौजवान जो हमारे पीछे बैठे हैं, यही काम आए। तो इसलिए समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है, हम जीते हारे लेकिन लोकतंत्र पे भरोसा बढ़े, इन मशीनों ने और इन रिजल्टों ने लोगों के बीच में अविश्वास पैदा किया है। और डेमोक्रेसी में ये सबसे खतरनाक बात है कि हम अविश्वास हो जाए किसी चीज पर। ये मशीन विश्वास पैदा नहीं कर रही है, हो सकता है टेक्नोलॉजी ठीक हो, सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में अविश्वास है इस बात को लेकर के। इसलिए हम इस पक्ष में हैं, बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और आपको याद होगा, इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया था कि किस आधार पे आप ये बात कह रहे हो कि वोटर लिस्ट में पर्टिकुलर लोगों का वोट काटा गया। याद है, वो मुस्लिम का वोट काटा गया, मैंने स्टेटमेंट दिया था उस समय, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया था मुझे। मैंने 18,000 विद एफिडेविट जो वोट काटे गए थे वो इलेक्शन कमीशन को भेजे थे। आज तक इलेक्शन कमीशन ने उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और आज जब मैं आपके पास बैठने आया हूं, इससे पहले कन्नौज से मुझे फोन आया था, हमारे जिला अध्यक्ष ने मुझे जानकारी दी कि वोट बढ़ाने के लिए
हम लोग लगातार पिछले दिन से प्रयास कर रहे थे, लेकिन सरकार ने सर्वर डाउन कर दिया और सर्वर डाउन होने की वजह से सर्वर से वो बोट बढ़ाए नहीं जा सकते थे। जब हंगामा किया, अधिकारियों से मिले, हम लोगों से बातचीत हुई, तो सोचिए 4 घंटे बाद सर्वर चालू किया। तो चीजें तो उनके हाथ में है, 19 लाख से ज्यादा मशीनें गायब हैं। ईवीएम सुना आपने, 19 लाख से ज्यादा मशीनें गायब हुई हैं, इनका हिसाब कौन देगा? कौन देगा हिसाब? क्या चुनाव आयोग देगा या अनंत काल तक ऐसे सवाल खड़े होंगे? लोकतंत्र ईवीएम के भरोसे या कहें ईवीएम के हाथों गिरवी रहेगा? विपक्ष के सवालों को दरकिनार किया जाएगा? हरि प्रसाद जैसे लोगों के सवालों को सुना नहीं जाएगा? ईवीएम हैकिंग की प्रक्रिया को जो लाइव कर रहे थे हरि प्रसाद, उसको बीच में रोक करके चुनाव आयोग उन्हें वापस लौटा देगा? 18,000 नाम एफिडेविट के साथ अखिलेश यादव देंगे, चुनाव आयोग उनको पढ़ नहीं पाएगा? ये प्रक्रिया क्या अनंत काल तक चलती रहेगी या जब तक मोदी और शाह चाहेंगे तब तक चलती रहेगी? गंभीर सवाल है और अखिलेश यादव का खुला ऐलान है कि अब तो लड़ेंगे। महुआ मोइत्रा के, हम पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको नहीं सुना, महुआ मोइत्रा के सवाल बिल्कुल साफ शब्दों में महुआ मोइत्रा के साथ खड़े रहे और सुब्रत पाठक का नौ से सांसद, उनकी जो सदवाणी है, जो सत्संग कर रहे थे, वो उसको भी सुना दिया भरी सभा में, भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम आपको सुना नहीं सकते। और केशव जी का जिक्र हुआ, केशव प्रसाद मौर्य का, तो उन्होंने कहा कि साइड हीरो बहुत हो गए। खैर, अब इन हीरो, साइड हीरो और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ईवीएम, ईवीएम पर चर्चा। आलोक जी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर तरफ इस समय एक ही चर्चा है, ईवीएम। ये ईवीएम कैसे हट? इस ईवीएम पर चुनाव आयोग सामने आकर के क्यों नहीं सवालों का जवाब देता जो सवाल 2009 से खड़े हो, 2023 के नहीं है? अक्सर हम लोग कहते हैं कि हमारी याददाश्त कमजोर है, पुराना भूलते जाते हैं। 2009 से सिर्फ एक व्यक्ति जिसने ईवीएम हैकिंग का चैलेंज दिया था, उसके नाम से भी इलेक्शन कमीशन में बौखलाहट हो जाती है, हरिकृष्ण प्रसाद, आंध्र प्रदेश के रहने वाले। 50 सवाल पूछे थे, एक जवाब नहीं दिया। आज अखिलेश यादव ने कहा 18,000 नाम एफिडेविट के साथ, लेकिन चुनाव आयोग अब तक साइलेंट है। क्या सिर्फ चुनाव आयोग पूछेगा, बताएगा नहीं कुछ? ये ईवीएम क्या विपक्ष के लिए आरोप लगाने का सिर्फ एक आरोप लगाने और झेलने वाली मशीन रहेगी? क्यों इस पर स्पष्टीकरण नहीं होना चाहिए चुनाव आयोग का? और अगर पूरे देश को अविश्वास है तो क्यों नहीं ईवीएम हट जाना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने, 2009 का जिक्र किया आपने, तो मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि 2009 में किस पार्टी ने ईवीएम पर सवाल उठाया था और किस पार्टी के नेता ने किताब लिखी थी, क्योंकि भूलने की बीमारी हो गई है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बाद लगता है कि हिंदुस्तान बेसिकली 2014 के बाद जो भी हुआ 2014 के बाद हुआ। 2009 में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई थी और भाजपा की सीटें 140 से घटकर 110 आ गई। तब ये सवाल उठाया था भाजपा के नेता एमएल नरसिम्हा राव ने, और लालकृष्ण आडवाणी ने भी इस पे सवाल उठाया था। उन्होंने बकायदा एक किताब लिखी थी कि कैसे ईवीएम के जरिए चुनाव परिणाम बदले जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि ये तो अलग मुद्दा है कि ईवीएम काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है। उन्होंने जिस तरह से तथ्यों के साथ समझाया, उदाहरण देके, वो बड़ा बढ़िया लगा मुझे कि आप हर चीज में अमेरिका की नकल उतारते हैं, अमेरिका को हर चीज में फॉलो करते हैं, अमेरिका ने तो ईवीएम हटा के बैलेट पेपर कर दिया है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, नंबर के साथ नहीं कर रहा हूँ, जहाँ हर आदमी अपने राष्ट्रपति से सवाल कर सकता है, यहाँ कितने लोग प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर सकते हैं, यहाँ तो प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, डीएम से आप सवाल कर दीजिए तो डीएम साहब बुरा मान जाते हैं, प्रधानमंत्री तो घर बहुत बड़ी चीज हो गए। तो उन्होंने कहा कि जब जिस देश को पूरा देश, पूरी दुनिया फॉलो करती है, हम सब लोग फॉलो करते हैं,
वहां पे 2 महीने तक वोटिंग चलती है, तो हमारे यहाँ क्या लोकतंत्र का मतलब क्या है? हर आदमी का विश्वास जीतना। अब अगर मैं बात करूं वोट भाजपा में सब वोट परसेंटेज की बात करती है, अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसमें मैं जरा दूसरी चीज बता रहा हूँ, सिर्फ 7 लाख वोटों का डिफरेंस था छत्तीसगढ़ में और कांग्रेस और भाजपा में। तो अगर बड़ी संख्या में या वैसे बात करें तो पूरे चुनाव में 4,90,00,000 लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया और उनमें से ज्यादातर वो कह रहे हैं ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। तो ईवीएम पे बहस होनी चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। 1984 तक तो बैलेट पेपर यूज होता था ना, 1989 के बाद धीरे धीरे ईवीएम आया है, तो क्या बुराई है? क्या बुराई है भाई बैलेट पेपर से चुनाव करने में, क्या बुराई है? और आप 5 साल तक देश किसको की सत्ता कौन चलाएगा, उसके लिए आप 3 महीने तक चुनाव प्रचार कर सकते हैं। मतलब आप सोचिए, जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है तो 8 मार्च को नोटिफिकेशन आता है, 6 फेज 7 फेज 8 फेज में होता है और 16 मई को आके रिजल्ट आता है। मतलब मोटा मोटी 75 दिन लग जाते हैं। तो 75 दिन में भैया वोटिंग कराओ और 1 हफ्ते में काउंटिंग कराओ। मुझे याद है अच्छी तरह से कि मैक्सिमम 3 या 4 दिन में मतपत्रों की गिनती हो जाती थी। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा भाई। देखिए 2-3 चीजें है ना, कि हिंदुस्तान में बहुत सी आबादी पढ़ी लिखी नहीं है, हो सकता है उसको बटन दबाना है, वो जो पहला बटन दबाएगा वो मान जाएगा, हो सकता है वो जाके ट्रायल ले रहा हो कि देखिए सही पे दब रहा है नहीं दब रहा है, उसका दूसरे पे बटन दबाएंगे, ये भी तो हो सकता है कि झटके में गया उसने देखा नहीं और पहला बटन दबा लिया, 1 नंबर पे कांग्रेस होगी, उसने ध्यान नहीं दिया 1 नंबर पे किसी और का नाम है, और वो लाइट वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मशीन काम कर रही है नहीं काम कर रही है। और चूंकि इस बहस की शुरुआत सिर्फ भाजपा ने शुरू की थी 2009 में, तो आज भाजपा के एक नेता जिसने किताब लिखी थी, तो आज वो पीछे क्यों भाग रहे हैं? और इसमें देश के लोगों की विश्वसनीयता को जीतना बहुत जरूरी है। दूसरा एक बड़ी बात उन्होंने जो कही और ये मैंने महसूस भी की, आशीष भाई मैं घूमता रहता हूँ 2021 से, मैं लगातार घूमता रहता हूँ यूपी में, घूमता रहता हूँ कई जिलों में जाता हूँ, हर जगह ये शिकायत आती है कि भाई साहब मेरे परिवार में 16 वोट था, 1 आदमी 8 आदमी का वोट यहाँ से दाहिने तरफ था, 8 आदमी का वोट यहाँ से बाएं तरफ था। और जो बड़ी बात होती है कि कहते सरकार कहती छुट्टी होती है, कई प्राइवेट संस्थान में छुट्टी नहीं होती है, कई लोग होता है कि वो कहीं दूसरे जिले में नौकरी कर रहे होते हैं, यहाँ कई लोग ऐसे भी तो होते हैं दूसरे जिले में नौकरी कर रहे होते हैं। तो आज मान लीजिए जिस दिन लखनऊ में 23 तारीख को चुनाव था विधानसभा में और बाराबंकी में 27 तारीख को था, है? तो भाई जो लखनऊ में रह रहा उसकी मान लीजिए नौकरी करता है बाराबंकी में, तो उसको तो भागना पड़ेगा, वो वोट नहीं डाल पाएगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, और कई लोग का नाम अगर आप एक ही परिवार में 16 लोगों में से 4 लोग का इधर रहा 4 लोग का इधर, तो ये मेरे साथ भी हो चुका है कि मेरे ब्लॉक में कुछ लोग का एक स्कूल में, कुछ लोग का दूसरे स्कूल में, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। आदमी पहुंचा वहां पे, शहर का आदमी थोड़ा लापरवाह होता है, अरे हम चलेंगे 5:30 बजे चलेंगे, वहां पता चला करे भैया आपका तो नाम ही नहीं है, अब तब तक वो कहेगा मारो यार चलो वापस चलते हैं। तो ये चीजों को आपने नाम काटे हैं, ये भी एक सच है, एक परिवार के लोगों को कुछ को दूसरे बूथ पे, कुछ को दूसरे बूथ पे किया गया है। और कई यादवों ने, कई मुस्लिमों ने मुझसे कहा है ये बात, और ये कहीं सुनाई बात नहीं, अब तो अखिलेश यादव एफिडेविट की बात कर रहे हैं, मतलब उसने नोटरी करा के नाम दिया है कि भैया हमारे नाम काटे गए। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ा सवाल है, और ये सही बात है कि ये जवाब जो होता है मुझे लगता है 3-4 महीने पहले अखिलेश यादव ने दे दिया था। 4 महीने में सरकार का चुनाव आयोग वो 18,000 नाम की लिस्ट चेक करके जवाब नहीं दे पा रहा है, और हमारे यहाँ वोटर लिस्ट में नाम कितने का है, 90 करोड़ हमारे यहाँ एज ए वोटर रजिस्टर्ड है, सोचिए। और चुनाव में हार जीत कितने वोटों से होती है, ज्यादातर विधानसभाओं में, अगर मैं यूपी विधानसभा की बात करूं, मैंने अभी एमपी का डाटा स्टडी नहीं किया है, तो टोटल अगर 75 सीटों पे मार्जिन जो थी वो 500 से लेकर
5-7 हजार वोटों तक थी। अगर एक विधानसभा में 1000-2000, यूपी में कई विधानसभा है जिसमें वोटर 3-3-4-4 लाख हैं। अगर अगर जो विपक्ष का आरोप है जिसमें एफिडेविट दिया है 18 हजार सारी विधानसभा का नहीं दिया, उन्होंने कुछ चुनित चुनित विधानसभाओं का दिया है। अगर एक विधानसभा में 3 हजार वोटों का वोटरों का नाम कटा तो खेल तो हो गया ना। और बहुत बड़ी संख्या है, पूरा पूरा का पूरा आलोक जी, तो नतीजा बदलने बनता है। मैं इसलिए गौर से सुन रहा था आपकी बातें, इतने में तो पूरा नतीजा विधानसभा चुनाव में, अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव में हमने देखा, राजस्थान में कई सीटें ऐसी हैं, एक बाल मुकुंद आचार्य हैं, जिस दिन से नतीजा है उसी दिन से हंगामा काटे हुए हैं हवा महल में, राजस्थान में हवा महल जयपुर में सीट है, उसी दिन से बवाल काटे हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब वो जो बाइडेन से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं वो 900 वोट से जीते हैं, 900 वोट से जीते हैं, और 900 वोट से तब जीते हैं जब वो मुस्लिम बाहुल सीट थी, वहां पे आम आदमी पार्टी ने भी मुसलमान को टिकट दे दिया था। वो ओवैसी साहब है, ओवैसी साहब तो जहां जहां पे मतलब बीजेपी थोड़ा कमजोर हो जाती है तो वो मजबूत करता है उनका प्रत्याशी थोड़ा सा, ये मुझे लगता है। वो हालांकि नाराज होते हैं लोकपुर के लोग, तो ओवैसी साहब हैदराबाद में सारी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन यूपी आके हैदराबाद के तेलंगाना के, हैदराबाद नहीं कहूंगा, तेलंगाना के मुसलमानों की भलाई का जिम्मा जो है उन्होंने वो चंद्रशेखर राव को सौंप दिया था, उसका टेंडर चंद्रशेखर राव को दे दिया था। अब बाकी जो है ये उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, यहाँ के मुसलमानों का भला करने के लिए वो खुद आए, वहां पे ठेके पे था, टेंडर पे। तो अभी सवाल भी कितना 10-11 सीट चुनाव लड़े, तो वहां पे ये सब थे, तब 900 वोट से जीते हैं बाल मुकुंद आचार्य। तो ये जो मार्जिन है बड़ा छोटा छोटा होता है, ईवीएम का खेल, जो है वोटर लिस्ट का खेल, ये सबसे बड़ा कुछ बदल सकता है। और इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, आप फील्ड में कह रहे जाते हैं, मैं तो तमाम फील्ड में लोगों से बात करता हूँ और अपने दर्शकों के कमेंट देखता हूँ, मैं कमेंट भी देखता हूँ, वो कई दर्शक निराश होकर क्या लिखते हैं, कमेंट करते हैं, कहते हैं कुछ भी हो जाए, राहुल गांधी कुछ कर ले, अखिलेश यादव कुछ कर ले, नीतीश कुछ करे, ममता कुछ करे, कुछ भी करे, ईवीएम है तो मोदी है, ईवीएम रहेगा तो मोदी जी रहेंगे, ये कमेंट करते हैं। तो क्या अब सीबीआई, ईडी, इसी कड़ी में चुनाव आयोग बिल्कुल पट्टू बनके, तोता पट्टू बोलते हैं यूपी में, वो तोता वाली भूमिका में जो सीबीआई हुआ करती थी उसी भूमिका में, क्योंकि सरकार ने, मोदी जी ने, काश चुनाव आयोग इस बात पे ध्यान देता कि मोदी जी ने जो नया मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त नियमावली लाया है, विधेयक जो पेश किया, वो इसीलिए क्योंकि मुख्य हमारे मुख्य न्यायाधीश ने, सीजेआई ने ये कहा था कि एक जो कमेटी हो सुप्रीम कोर्ट का, जो कुल मिला के था आदेश, ये कमेटी हो, इस कमेटी में प्रधानमंत्री हो, नेता प्रतिपक्ष हो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, वो चुने। लेकिन उसको पलट दिया मोदी जी ने, करना प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक मंत्री होगा और एक नेता प्रतिपक्ष होगा, तो एक नेता प्रतिपक्ष, तो नेता प्रतिपक्ष को रखना ना रखना क्या मतलब है, प्रधानमंत्री की टीम जीत जाएगी। हाँ, तो और उसके बाद वो कैबिनेट, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त भारत में चुनाव आयोग की जो स्वायत्तता है वो सीजेआई की जैसे स्वायत्तता है वैसे स्वायत्त है, लेकिन वो कैबिनेट सचिव के लेवल का बना दे रहे हैं, उसको गौर से पढ़ेंगे विधेयक को। तो क्या चुनाव आयोग के भी ईगो को नहीं लग रहा है कि यार ये हमारा कितना अहित हो रहा है, कम से कम टीएन सेशन को याद कर लें, टीएन सेशन को याद करके एक बार ईमानदारी से, उन्हें किसी का फेवर थोड़ो करना, उन्हें ना मोदी की खिलाफत करनी है, ना राहुल गांधी का समर्थन करना है और ना अखिलेश यादव को चुनाव जिताना है, उन्हें तो निष्पक्ष, सिर्फ चुनाव प्रक्रिया निष्पक्षता से इस देश में करवा देना है, उन्हें लोकतंत्र को जिंदा रखना है। क्या ये सब संभव नहीं नजर आ रहा, या ईवीएम है तो मोदी है यही चलता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है आशीष भाई, ये जनता जिस दिन जागेगी, देखिए जनता को जागरूक होना है। आज उन्होंने एक बात और भी कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बोले मोदी बोलते किसी चीज गारंटी है, तो कह रहे हैं कि मैं गारंटी दे रहा हूँ
कि जनता ही मोदी को हराएगी। देखिए पहली बार जो लगातार देखिए चुनाव का रिजल्ट आया है 3 तारीख को और आज हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, ये 10 तारीख हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं इस पे, और अभी भी ईवीएम में और अब जो है ये सिर्फ गोदी मीडिया के चैनल तो कोई देखता नहीं है, तो यूट्यूब भी देख रहा है, ट्विटर भी देख रहा है, फेसबुक भी देख रहा है, तो भाजपा ही मतलब भाजपा के नेताओं से बात की तो बेचैन लग रहे हैं। अब जनता साफ साफ देख रही है कि भैया वो छत्तीसगढ़ में कैसे चुनाव हार गए, मध्य प्रदेश में इतना एक तरफा चुनाव कैसे हो रहा है, तो ये चीजें जो है बार बार सवाल उठा रही है, जनता के मन में सवाल उठ रहे हैं, और इस पे अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो देखिए इस देश की जनता इंदिरा गांधी को दुर्गा का भी रूप देती है और इसी देश की जनता पलट के इमरजेंसी में सत्ता से कांग्रेस को बाहर भी कर देती है। तो भाजपा को करारी हार मिली कर्नाटक में, हैदराबाद तेलंगाना की हार तो मैं हार नहीं मानता, लेकिन उनको समझना चाहिए कि जनता को ग्रांटेड मान के न चले। और मोदी जी तो कहते थे कि हम तो सब हम टू वे कम्युनिकेशन करते हैं, मोदी जी एक काम करें ना, आज मोदी जी एक तमाम योजनाओं पे लाइव करते हैं कि सरकार की कौन सी योजना कैसी चल रही है, एक दिन मोदी जी क्या करें लाइव करें और गांव गांव वो भेज दे माइक दूरदर्शन के, लेकिन सवाल हर आदमी को पूछने दे। मैं बता रहा हूँ आशीष भाई कि भाजपा का समर्थक भी कहेगा कि भैया चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा, तो भैया ये आप माइक लेके निकल जाइए पूछिए, तो ज्यादातर लोग अब बोल रहे हैं, बोलना शुरू कर दिया लोगों ने, माइक अगर आपके हाथ में हो तो बोल देंगे कि ज्यादातर लोग ये बोलेंगे कि भैया बैलेट से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि तो मशीन का कोई ठिकाना नहीं है। जब एटीएम हैक हो जा रहा है, मोबाइल हैक हो जा रहा है, तो ईवीएम भी तो मशीने में है, और आपने अरे सब छोड़िए आप ये मोबाइल हैक की बात छोड़िए, वो जो कौन डोम आयरन था जो दुनिया का सबसे तगड़ा जो है डिफेंस सिस्टम था और दुनिया की टेक्नोलॉजी में जो सबसे बड़ी कंट्री है, सबसे डेवलप्ड कंट्री, उसने वो डोम आयरन बनाया था कि सबसे अच्छा डिफेंस सिस्टम है। उस डिफेंस सिस्टम को जब अभी अटैक हुआ तो कहा गया कि वो डिफेंस सिस्टम को हैक कर लिया गया था, जब दुनिया के सबसे विकसित देश टेक्नोलॉजी में सबसे अव्वल देश और दुनिया के सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम हैक हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे राग हमलाप रहना ही नहीं, ईवीएम नहीं होगा तो यही बात हो गई। गांव में कहते हैं कि काका बतिया तो हाल सब सही है लेकिन खुटवा यही गई, तो वही बस बात है कि खूंटा वही गाड़ना है। तो एक सवाल एक चलते चलते ठीक है ईवीएम पे हमने बात, एक कड़वा सवाल विपक्ष को लेकर, ये कड़वा सवाल इसलिए क्योंकि आज मैं दिन में ईवीएम को लेकर की जो चर्चा चल रही है, तो मैं दिन भर ईवीएम को लेकर के जो भी थोड़ा जानकार लोग हैं, हम चाहते हमको लगता है कि हम कम जानकार हैं, टेक्नोलॉजी से उतने नहीं फ्रेंडली हैं, तो उन लोगों से मैं बातचीत करता हूँ कि भाई हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसमें चिप का क्या रोल है, उसमें जो बोर्ड लगा है बोर्ड का क्या होता है, सर्किट का क्या खेल हो सकता है, तो सारी चीजें बहुत ब्यौरे में समझाया कि बहुत कुछ हो सकता है इसमें, मतलब 85 सवाल बता दिया कि कैसे क्या हो सकता है और क्या क्या। लेकिन जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा था उसी सवाल को मैं आप तक ले जाऊंगा, उस आदमी ने कहा सब ठीक है ईवीएम वगैरह सब ठीक है, इस पर तो आर पार की जो है बात होनी ही चाहिए, लेकिन विपक्ष क्या ये नहीं कभी अपना आत्मा अवलोकन करता है कि उसकी कैंपेनिंग में भी निगेटिविटी, निगेटिव कैंपेन कई बार विपक्ष को देख के ये लगता है कि विपक्ष इस इंतजार में है कि आज नहीं तो कल जनता जो है मतदाता उकता जाएंगे, ऊब जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, ऊब करके इनको हटा देंगे और फिर हम सत्ता में आ जाएंगे, भैया ऑप्शन तो है नहीं कोई, ये नेगेटिव कैंपेन कई उदाहरण के साथ दिया। और उदाहरण दिया कि एक वो विकसित भारत यात्रा जिसमें आईएएस अधिकारियों को लगा दिया है, मोदी जी रथ जा रहा है गांव का, देखिए आज शुरुआत हुई उसकी और मोदी जी ने लाभार्थियों से ये सवाल सुनिए, देखिए तथ्य के साथ कह रहा हूं, लाभार्थियों से बातचीत किया, इस देश के हर गांव में वो रथ जाएगा, हर गांव में, बड़ी बात है। ये निगेटिव कैंपेन वाली बात बड़े तर्क से बताई उस आदमी ने, कहा एक बात बताइए ये विपक्ष के लोग क्या हर गांव तक, क्या ऐसा भी इतना ये देश अगर इतना नॉट रीचेबल है तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर टक्कर में ही आप नहीं होगी, अगर आपके लिए नॉट रीचेबल हो प्रधानमंत्री के लिए रीचेबल है तो क्या ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता, क्यों नहीं चुनाव में
कोई ऐसा सिस्टम भेज दे और डायरेक्ट मॉनिटरिंग करके ईमानदारी से, ठेका पद्धति पे नहीं कि ठेके दे दिए किसी को पैसा लेके चला गया और गांव तक कोई गया नहीं, गांव गांव तक जाए। जब टेक्नोलॉजी इतनी हो गई, खासकर जैसे अखिलेश यादव टेक्नोलॉजी जानकार भी, टेक्नो फ्रेंडली है, राहुल गांधी है, तमाम विशेषज्ञों से, टेक्निकल लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, ये लोग क्यों ऐसा नहीं करते कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि अपने अपने राज्य में, क्षेत्र में जहां भी हैं, चाहे ज्वाइंट करें चाहे इंडिविजुअल करें, ऐसा हो कि उस गांव के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उस गांव के 10, 20, 50, 100, 200 जितने हों, प्रभुत्व हों, किसान हो, मजदूर हो, उनसे एक बार रूबरू हूँ, उनको एहसास हो कि हाँ अखिलेश यादव हमको दिखे यार, सामने पूछ रहे थे कि फलाने गांव में मैं बात कर रहा हूँ, मोदी जी करते हैं ऐसे, मैं फलाने गांव में बात कर रहा हूँ, आप लोग ठीक है, हम आएंगे चुनाव में, बहुत सारी बातें हैं, जितना वो मुझसे बेहतर हो करेंगे, ये नेता लोग हैं मुझसे बेहतर करेंगे, ये लोग क्यों नहीं कर सकते, क्यों सिर्फ पार्टी के दफ्तरों में या ट्विटर पर इतने तक क्यों रह जाते हैं, ये कड़वा सवाल है, हो सकता है मेरे सवाल से नाराजगी हो, लेकिन ये सवाल एक मतलब एक ऐसे व्यक्ति ने कहा जिसने ईवीएम को लेकर के मुझे 50 सवाल बताए, उस आदमी ने कहा कि ऐसा क्यों नहीं करते जब टेक्नोलॉजी की तरफ, और ये बात मेरे मन में बहुत दिन से थी, जब शायद मोदी जी नहीं कर रहे थे तब से बात मेरे मन में कि क्यों नहीं डायरेक्ट किया जा सकता है, बहुत सारे हैं लोग कहते हैं नेता बताओ भाई तुम्हारे पास क्या, क्यों नहीं है, 10 उपाय हैं, आप हर गांव में, हर गांव के 10 बुद्धिजीवी से, 10 किसान, 10 मजदूर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको लग सकता है कि हाँ डायरेक्ट राहुल जी हमसे संपर्क किए, डायरेक्ट उनके उनका संदेशा हमारे पास आया, संदेशा हम संदेशे में ही बहुत कर रहे हैं, उनका संदेशा आया डायरेक्ट हमारे सामने स्क्रीन पर आए थे और गांव नाम लेके कहे थे, प्रधान जी को भी किए थे, क्यों ऐसा नहीं कर सकते, आलोक इसी सवाल से खत्म करें, इच्छा शक्ति की कमी है, बिल्कुल सही बोला आपने, और हम लोग सिटी मैनेजमेंट का आदमी रहा हूँ, लास्ट पॉइंट डिलीवरी में विपक्ष फेल हो जा रहा है, लास्ट पॉइंट एग्जैक्टली बिल्कुल, और वो काम देखिए जहां जहां इन्होंने किया है, वो काम इन्होंने कर्नाटक में किया, लास्ट पॉइंट पे डिलीवरी की, डीके सिंह कुमार को लगाया, सिद्धारमैया को लगाया, सिंक्रोनाइजेशन जहां हुआ है वहां पर रिजल्ट आया, अगर तेलंगाना की बात करें तो वहां पे भी लास्ट पॉइंट डिलीवरी की, लेकिन जो बड़े चुनाव आते हैं हिंदी हार्टलैंड वहां पे ये फेल हो रहे हैं और लगातार फेल हो रहे हैं, और मैं जो बात कहूंगा हो सकता सपा के लोगों को भी बुरा लगे, इसी लास्ट पॉइंट डिलीवरी की वजह से ही सपा सत्ता जितनी घनघोर सत्ता विरोधी लहर थी, योगी के खिलाफ तो इतनी जबरदस्त नाराजगी थी, उसके बाद मैंने आलोक जी आपसे व्यक्तिगत चर्चा में बताया, मैं 250 विधानसभाओं में शरीर अपने शरीर से गया हूँ, ऐसी कमरे में बैठ के बात नहीं कर रहा था, 250 विधानसभाओं में इतना मतलब सरकार के खिलाफ ऐसा माहौल था, लेकिन अंतर क्या था, जब भाजपा के दूसरे प्रदेश से आई हुई फौज, दूसरे प्रदेशों से बड़ी संख्या में वॉलंटियर आते हैं, संघ वाले लग जाते हैं, जब वो डोर टू डोर जा करके अपने मतदाताओं को बूथ पे लाने की तैयारी कर रहे थे, तो यहाँ पर जो है कागज और कलम लेकर के कैबिनेट बना रहे थे लोग, मंत्रालय बांट रहे थे, किस बूथ पे कितना वोट पड़ा, कहां वोट परसेंटेज कम है, बनारस की एक सीट है, बनारस दक्षिणी में भाजपा का घर था और 3 बजे तक भाजपा हार रही थी, उसका स्पष्ट कारण था, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए जिन मकानों का अधिग्रहण किया गया उस एरिया में बहुत ज्यादा नाराजगी थी, क्योंकि उनका वर्षों का सैकड़ों साल का व्यवसाय चला गया और कोरोना के बाद 1.5-2 साल तक बहुत मतलब जबरदस्त आर्थिक नाराजगी थी। मैं वहां गुजरातियों के मोहल्ले में गया, इतनी नाराजगी थी, मैं बाइक आपको भेज दूंगा, उन्होंने कहा भाई साहब हम तो वोट डालने नहीं जाएंगे, हमसे बोला था। फिर जब अगले दिन मेरी बात थी, क्या करें, हमारे काका जी आगे थे मोहल्ले के, हमारे पिताजी तो है नहीं, काका जी आके हाथ जोड़े, तो हम लोग को मजबूरन जाना पड़ा भाई साहब 5:30 बजे जाके हम लोग वोट डाल के। तो ये मॉनिटरिंग है उनकी कि कहां हम कमजोर है, किस बूथ पे वोट नहीं पड़ रहा है, और जो सीट भाजपा हार रही थी वहां पे लास्ट पॉइंट पे डिलीवरी करवा के वो 10,000 वोटों से उन्होंने वो सीट जीत ली। और कई सीटें जो विधानसभा में जीती जाती है या लोकसभा में भी कई सीटें 2,000-5,000 की होती है, तो वो लोग शाम को 6 बजे तक लड़ते हैं,
यहाँ तो 4 बजे ही जश्न बन जाता है। 4 बजे माहौल देखे और जश्न शुरू, यहाँ पार्टी शुरू हो गई और वहां पे वो गेम पलट देते हैं। खैर चलिए, सारी बात आ गई, एक सैंपल आपने बता दिया दक्षिणी वाली सीट का, तो वही कहते हैं चावल के एक ही दाने से मैं तो हमेशा करता हूँ, पता चल जाता है क्या है। लेकिन इस शो में, इस चर्चा में एक बात जिस निष्कर्ष पे हम पहुंच सकते हैं, विपक्ष ईवीएम पर जो सवाल उठा रहा है वो सवाल उठने चाहिए। अगर अविश्वास है तो उसको विश्वास में तब्दील किया जाना चाहिए। ईवीएम अगर विश्वास के काबिल नहीं है तो ईवीएम हटना भी चाहिए, क्योंकि दुनिया की तमाम मुल्कों से हटा है, हमसे बहुत ज्यादा डेवलप कंट्रीज से हटा है, जो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे उनसे भी हटा है। तो ईवीएम पर सवाल उठाना गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ईवीएम के साथ साथ बैलेट भी हो जाएगा तो लगाने के लिए, इसलिए संगठन को ग्रास रूट लेवल पर चाक चौबंद भी करने की जरूरत है। इंडिया अलायंस के हर दल को, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, डीएमके हो, कोई भी डीएमसी, बूथ तक अपने मतदाता को लाने की जिम्मेदारी। वही बात, वही अंतर हो जाएगा कि जब आप जस्ट में डूबे तो वहां पे चाचा है हाथ पकड़ के चले गए कि कमल का फूल यात्रा, जबकि मतदाता फेड अप है, उबा हुआ है, निराश है, हताश है, गुस्से में है, लेकिन वोट कन्वर्ट हो गया उसका। यहाँ पर भी गौर करने की जरूरत है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, चर्चा हम करते रहेंगे आलोक पाठक के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों पर खासकर। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए ईवीएम से जुड़े और अपडेट्स, क्योंकि ईवीएम इस वक्त देश की सियासत में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। ईवीएम की एक एक परत हम खोलेंगे, इस पर टीम काम कर रही है न्यूज लॉन्चर की, आप तक लेकर के आएंगे। देखते रहिए न्यूज लॉन्चर, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।